हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों की फेवरेट मसाला मैगी। तो आइए देखते हैं मसाला मैगी बनाने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मसाला मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो छोटे पैकेट मैगी के लिए हैं, ये देखिए। और मसालों में यहाँ पर लिया है आधा छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। और सब्जियों में यहाँ पर लिया है दो मीडियम साइज के प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, एक शिमला मिर्च लंबे टुकड़ों में कटी हुई इस तरह से, ये देखिए। और एक टमाटर लिया है बारीक कटा हुआ, एक कप मटर लिए हैं फ्रोजन मटर है, और चार से पांच कली लहसुन के लिए है इसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तो आइए मसाला मैगी बनाना शुरू करते हैं। मसाला मैगी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल गर्म कर लिया है। और अब डाल देते हैं ऑयल में सबसे पहले लहसुन, इसके साथ इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज, और अब इसमें ऐड कर देते हैं शिमला मिर्च, लगभग एक मिनट के लिए भून लेंगे सब्जियों को। और अब इसमें ऐड कर देते हैं मटर, बारीक कटा हुआ टमाटर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग एक मिनट के लिए और पका लेंगे। हमें इन सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा क्रंची ही रखना है। सब्जियां हल्की पक चुकी हैं और अब इसमें ऐड करेंगे हम मसाले। मसालों में सबसे पहले डाल देते हैं नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च। मिला लेंगे अच्छे से मसालों को और इसे पका लेते हैं लगभग आधा मिनट तक। आधा मिनट हो चुका है मुझे सब्जियों को मसालों को पकाते में। और अब इसमें ऐड कर देते हैं दो ग्लास पानी, मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे एक उबाल आने देंगे। और ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है और इसी समय पर हम इसमें ऐड कर देते हैं मैगी। और इसे ढककर पकने देंगे लगभग एक मिनट तक। ये देखिए लगभग एक मिनट हो चुका है मैगी को पकाते हुए। अब थोड़ा सा इसे फैला देते हैं इस तरह से। मैगी को अच्छे से फैला दिया है मैंने, ये देखिए। और अब इसमें डाल देते हैं मैगी का मसाला जो इसके पैकेट के साथ आया था। मिला लेंगे अच्छे से और इसे लगभग एक मिनट के लिए और पका लेंगे ढककर। और ये लीजिए मैगी अच्छे से पक चुकी है और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चटपटी मसाला मैगी बनकर तैयार है और अब इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए चटपटी और मसालेदार मसाला मैगी बनकर तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।